हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरी चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला मैगी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, खासकर बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम सब्ज़ी वगैरह ऐड करके बना लें, ताकि थोड़ा सा उनके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख लेंगे। कढ़ाई में हम यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाल लेंगे। छोटी चम्मच से तेल डालना है। तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल लेंगे। और प्याज को हम चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है प्याज को, इतना जब तक कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो 1-2 मिनट में ही प्याज अच्छे से पक जाएगी। अब हम यहाँ पे डाल लेते हैं मटर। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मटर ले ली है। उसके बाद आधा कटोरी हम गाजर ले लेंगे। और अच्छे से हम सब्जियों को भी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि सब्जियों को भी हमें सॉफ्ट करना है। सब्जी बिल्कुल कच्ची है। अगर आप बॉयल मटर यूज़ कर रहे हैं तो बाद में डालें। अब हम यहाँ पे डाल लेते हैं 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। अगर बच्चे पसंद नहीं करते तो आप स्किप कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पे नमक डाल लेंगे। और 1/4 चम्मच हम डाल लेंगे मिर्च, लाल मिर्च। तो नमक मैगी मसाले में भी होता है, तो आप उसी हिसाब से थोड़ा सा नमक डालें। तो सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से चलाते हुए। तो टमाटर को हमें सॉफ्ट करना है, इसके लिए हम टमाटर को ढक के पकाएंगे। तो ढक्कन लगा के हम 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और सब्जियां भी हमारी अच्छे से पक गई हैं। अब हम यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल लेंगे, यानी कि 450 ml, क्योंकि हमने 2 पैकेट मैगी के लिए हैं, तो उस हिसाब से इतना पानी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। पानी में हमें एक उबाल लाना है, तो ढक्कन लगा लेते हैं। तो देखिए, पानी में एक अच्छा उबाल आ गया है। तो एक बार इसे चम्मच से और चला लें। अब हमने यहाँ पे 2 पैकेट मैगी के ले लिए, और मैगी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और 2 मैगी मसाले के पाउच भी हैं, जो मैगी के अंदर ही आते हैं। तो सबसे पहले हम मैगी डाल लेंगे। मैगी तोड़ने से ये बहुत आसानी से पक जाती है, हमें इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, पहले हम इसे 1-2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे खुले में, आपको ढक्कन नहीं लगाना है। अब हम ऊपर से मैगी मसाला डाल लेते हैं, और मैगी मसाले को सारी मैगी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1-2 मिनट आप हाई फ्लेम में पकाएं, और उसके बाद ढक्कन लगा के सिर्फ 1 मिनट पकाना है कि मैगी अच्छे से पक जाए। तो देखिए, मैगी हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे गरम गरम हम सर्व कर लेंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।